वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार और इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। जी हाँ, आपका सीजीएल का एग्जाम आने वाला है, रेलवे के एग्जाम आने वाले हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिल्ली सल्तनत काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है जिससे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर 200 प्रश्न जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं। इन 200 प्रश्नों से अभी तक आपसे किसी भी एग्जाम में कोई प्रश्न बाहर नहीं पूछा गया है। तो ये 200 प्रश्न यदि आप कर लोगे तो आपका जो है दिल्ली सल्तनत पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। अब मैं जैसे दिल्ली सल्तनत की बात जब होती है तो 5 डायनेस्टी का नाम जो है दिमाग में आता है जिन्होंने 320 साल तक दिल्ली के ऊपर राज किया था। तो कौन कौन सी वो डायनेस्टी आपको पता होनी चाहिए। पहली है ममलूक डायनेस्टी, जिसे हम गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं, स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके जो अधिकतर रूलर थे वो सारे के सारे गुलाम थे। और पहली स्लाइड से ही एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि ऑर्डर बताइए दिल्ली सल्तनत का, कौन सी डायनेस्टी पहले आई थी, फिर उसके बाद कौन सी आई, फिर उसके बाद। तो ये ऑर्डर आप नोट कर लीजिए, पहले आई ममलूक डायनेस्टी या मैं कहूँ स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, फिर आई खिलजी डायनेस्टी, फिर आई तुगलक डायनेस्टी, फिर आई सैयद और फिर लोदी, ठीक है, SKTSL आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए दर्शाया गया है कि कौन सी डायनेस्टी ने कितने समय तक जो है राज किया है। एक प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा चुका है कि सबसे कम समय तक शासन कौन सी डायनेस्टी का रहा है। तो यहाँ पर सभी का शासन काल लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं, उस ऑर्डर में भी आप अरेंज कर सकते हैं कम ज्यादा में भी, किसका ज्यादा रहा और किसका कम। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अब इम्पोर्टेंट जो सुल्तान हुए हैं उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हैं मैंने, जिनसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कुतुबुद्दीन ऐबक की, जिन्होंने 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक जो है शासन किया था। ओरिजिनली बात करूँ कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था जिसे मोहम्मद गोरी ने खरीदा था, ठीक है। सो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद जो इंडिया का जितना भी उसका राजा था मोहम्मद गोरी का, उसका जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को गवर्नर बनाया गया था। बाद में इसने जो है मोहम्मद गोरी के बाद अपने शासन की जो है स्थापना की और कह लीजिए स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की। ये पहले ऐसे सुल्तान थे दिल्ली के जिन्होंने गुलाम डायनेस्टी ममलूक डायनेस्टी आप कह सकते हैं को फाउंड किया। एक प्रश्न तो आपका ये बनता है। और दूसरी बात, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम थे किसके, मोहम्मद गोरी के। लगभग 4 सालों तक इन्होंने शासन किया 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा सुल्तान था जो पोलो खेलते वक्त मारा गया था, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने 2 इंपॉर्टेंट मस्जिदों का निर्माण करवाया था जो आपको पता होनी चाहिए। पहली थी क्वैतुल इस्लाम जो कि दिल्ली के अंदर बनाई गई थी और दूसरी थी 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर के अंदर। इन दोनों का बनाने का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। और इन्होंने कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत करवाई थी किसकी याद में, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की, ठीक है। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन का कार्य किसने शुरू करवाया था, तो उसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए काफी जिंदा दिल राजा थे तो इसलिए इनको एक उपाधि भी प्राप्त है लाख बख्श। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि कौन से सुल्तान को जो है लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, तो लाख बख्श के नाम से जाना जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो ये सारे चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये पूछी जाती हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट है इल्तुतमिश। अब देखिए इल्तुतमिश जो था 3rd सुल्तान था स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। अब इससे पहले कौन था ये भी आपको पता होनी चाहिए, इससे पहले था आराम शाह। ठीक है, जब कुतुबुद्दीन मरा जो उसका सन था आराम शाह, उसने जो है शासन अपने हाथ में लिया। लेकिन बाद में जो इल्तुतमिश था उसने आराम शाह को मारकर जो है थ्रोन कह लीजिए राज्य अपने कब्जे में लिया। जो इल्तुतमिश था उसने 1210 से लेके 1236 ईस्वी तक जो है शासन किया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इम्पोर्टेंट, एक प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से ऐसे दिल्ली सुल्तान थे जिन्होंने सबसे पहले कॉइनेज इशू किए थे, ठीक है। तो वो है
इल्तुतमिश जिन्होंने सिल्वर टका और कॉपर जीतल इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है, इन्होंने इक्तादारी सिस्टम भी चलाया था। इक्तादारी सिस्टम का मतलब, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, यदि आप कोई सोल्जर रख लेते हो, उसको आप सैलरी की बजाय लैंड देते हो, ठीक है, थोड़ा सा हिस्सा जमीन का देते हो, इसे इक्तादारी सिस्टम बोला जाता था। डिवीजन ऑफ एम्पायर इनटू इक्ताज विच वर असाइन टू नोबल्स एंड ऑफिसर्स इन लियू ऑफ सैलरी। और अब मैं बात करूं इम्पोर्टेंट की, कुतुब मीनार जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको शुरू करवाया था, तो खत्म उसका निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। अब बात करते हैं फर्स्ट इस्लामिक मौसीलियम दिल्ली के अंदर जो बना था, किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने, जिसे सुल्तान घड़ी के नाम से भी जानते हैं। ये उसने अपने एल्डेस्ट सन थे प्रिंस नसरुद्दीन महमूद की याद में बनवाया था। ठीक है, इल्तुतमिश के बारे में कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ही वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग स्लेव रूलर हु रूल्ड फॉर 25 ईयर। जी हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ही वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग स्लेव रूलर। चेंगिज खान के आक्रमण से भी उसने जो है अपने राज्य को बचाया था, ये भी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बनता है। देखिए, चेंगिज खान उस समय जो है ख्वाजिरीम शाह जलालुद्दीन मंगोबानी का पीछा कर रहे थे। ठीक है, जब वो इल्तुतमिश के यहाँ पर शरण मांगने आए, तो इन्होंने, इल्तुतमिश ने जो है उनको मना कर दिया, क्योंकि यदि वो उसको रख लेते तो जो उनको जो है गेंगिज खान के आक्रमण का सामना करना पड़ता, क्योंकि गेंगिज खान जो है जलालुद्दीन मंगोबानी का पीछा कर रहा था, तो इसलिए उन्होंने उनको रखने से इनकार कर दिया। इसलिए उन्होंने अपने राज्य को, आप कह सकते हो, गेंगिज खान के आक्रमण से बचा लिया। इनके बारे में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट इम्पोर्टेंट है, इन्होंने 40 लॉयल स्लेव गुलामों का ग्रुप बनाया था, जिसे तरकन ए चहलगानी और चलीसा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये ग्रुप किसने फॉर्म किया था? इल्तुतमिश ने। इन्हें फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग भी कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, सुल्तान घड़ी का निर्माण इन्होंने दिल्ली में करवाया था। ठीक है, अभी मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट और एक और बताया था आपको, ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस सिल्वर टका एंड कॉपर जितल, सबसे पहले इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किए थे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। देखिए, रजिया सुल्तान से पहले भी जो सुल्तान थे उनका नाम था रकनुद्दीन फिरोज। ठीक है, रकनुद्दीन फिरोज रजिया सुल्तान से पहले गद्दी पर बैठे थे, लेकिन वो जो सारा, आप कह सकते हो, थ्रोन अपनी माँ के हाथ में, शाह तुर्कान नाम था, उनके हाथ में छोड़कर चले गए थे। तो बाद में जो है रजिया सुल्तान को गद्दी पर बिठा दिया गया था, जिन्होंने 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक शासन किया। अब इनके बारे में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है, बठिंडा के एक गवर्नर थे जिनका नाम था अल्तुनिया। ठीक है, वो इनके शासन को नहीं मान रहे थे, तो रजिया सुल्तान ने उनको हराने के लिए जो है बठिंडा की तरफ बढ़ी और इनसे युद्ध किया। इसमें जो है युद्ध में वो हार गई और अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को बंदी बनाकर जेल में रख लिया, लेकिन कुछ ही समय बाद रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से शादी कर ली। तो जब वापस वो दिल्ली जा रही थी अल्तुनिया के साथ, तो बीच में कैथल एक स्थान पड़ता है जहां पर कॉन्स्पिरेसी के अगेंस्ट जाटों के द्वारा रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है रजिया सुल्तान के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हाँ, एक और पूछा जाता आपसे प्रश्न कि फर्स्ट वुमेन टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली वॉज रजिया सुल्तान। ठीक है, फिर इनके बाद आई ग्यासुद्दीन बलबन। जी हाँ, जिन्होंने 1265 से लेके 1286 तक राज किया। देखिए, जो बलबन था उसने इल्तुतमिश के जितने भी फैमिली मेंबर थे सभी को मारकर जो है थ्रोन को अपने हाथ में लिया था। जो मैंने अभी आपको बताया था, इल्तुतमिश ने 40 स्लेव गुलामों का ग्रुप बनाया था, उसमें से एक बलबन भी था। ठीक है, बलबन ने आकर उस जो चलीसा ग्रुप था उसकी पावर को तोड़ा और क्राउन प्रेस्टीज को वापस लेकर आए। इसका जो ओरिजिनल नाम था वो था बहरुद्दीन। ही आल्सो कंसिडर एज द ग्रेटेस्ट सुल्तान ऑफ स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश का आप इसे ग्रेटेस्ट शासन भी कह सकते हैं। एक प्रश्न इनसे यह भी पूछा जाता है इंपॉर्टेंट, इन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट की थी ब्लड एंड आयरन,
अगेंस्ट रिबेल्स, जो इसके खिलाफ विद्रोह करता था, इससे विश्वासघात करता था या इसके राज्य को लूटता था, तो उनके खिलाफ इन्होंने पॉलिसी अपना रखी थी ब्लड एंड आयरन की। ये प्रश्न भी पूछा गया है, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किसने अपना रखी थी? गियासुद्दीन बलबन, ये आपको पता होनी चाहिए। मंगोल्स को हराने के बाद जो है इन्होंने टाइटल ग्रहण किया था उलग खान। इनके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मिलिट्री डिपार्टमेंट इन्होंने एक स्थापित किया था जिसका नाम था दीवाने अर्च, दीवान हे अर्च। और इन्होंने जो है एक टाइटल भी इनके नाम से जो है इन्होंने ग्रहण कर रखा था जिसे बोलते हैं जिल्ले इलाही, शेडो ऑफ गॉड के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, सिजदा एंड पेबो सिस्टम इन्होंने अपने राज्य में शुरू किया था, मतलब कि सुल्तान को जो है लिटकर प्रणाम करना और उसके चरणों को चूमना, ये सिस्टम जो है इन्होंने शुरू किया था। पहले ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने अपनी कोर्ट के अंदर जोक, लाफिंग और वाइन का प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी किसने अपनाई थी? गियासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट आते हैं अलाउद्दीन खलजी। देखिए, गियासुद्दीन बलबन के बाद जो राज्य पर बैठा था, राज्य जिसने हाथ में लिया था, वो थे कैकुबाद, KAIQUBAD। ठीक है, लेकिन इसको खत्म कर जो है शासन फिर किसने लिया? जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने खलजी डायनेस्टी की जो है स्थापना की, खलजी डायनेस्टी जिसने 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक जो है शासन किया। जलालुद्दीन खलजी को मारकर राज्य अपने हाथ में लिया अलाउद्दीन खलजी ने। अलाउद्दीन खलजी से अब इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाते हैं। लगभग अलाउद्दीन खलजी से जो आपको एक, यदि सुल्तानों की बात करूं तो अलाउद्दीन खलजी से चांसेस होते हैं कि आपसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाएं। ठीक है, तो इनके बारे में जैसा मैंने आपको बताया, पहले रूलर कौन थे जिन्होंने फाउंड की थी खलजी डायनेस्टी? जलालुद्दीन खलजी। तो दूसरे अलाउद्दीन खलजी थे खलजी डायनेस्टी के सुल्तान। आप इन्हें कंसिडर द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी के मोस्ट पावरफुल रूलर थे। अब इनके बारे में एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने स्टैंडिंग आर्मी, फर्स्ट सुल्तान टू मेंटेन स्टैंडिंग आर्मी, मतलब इक्तादारी सिस्टम की बजाय अपने जो सोल्जर्स है उनको सैलरी पे करते थे। ठीक है, पहले ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने डेक्कन क्षेत्र में विजय प्राप्त की थी। और एक और इंपॉर्टेंट इनसे फैक्ट जुड़ा हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी सीज्ड द फेमस कोहिनूर डायमंड फ्रॉम द रूलर ऑफ मालवा। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैंने इनके बारे में लिखे हुए हैं, जैसे कि मैंने बताया इनका अपना एक कह लीजिए एक कोट, आप इसको कह सकते हैं कि किंगशिप नोज नो किंगशिप। ठीक है, इस चीज को ये मानते थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के क्षेत्र को जब जीता, वहां पर उन्होंने कमला देवी से शादी की और वहां से वो है मलिक कोफर को लेकर आए। मलिक कोफर को लेकर आए, ठीक है। इसके बाद इन्होंने जो है रणथंबोर, चित्तौड़ और मालवा के क्षेत्र को भी अपने जो है क्षेत्र में मिला लिया। मलिक कोफर को इसने जो है मिलिट्री का, आप कह सकते हो, सेनापति घोषित किया और उसको जो साउथ का क्षेत्र था भारत का, ठीक है, उसमें अपने राज्य को स्थापित करने के लिए मलिक कोफर को भेजा। आप कह लीजिए पहले ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने फेस्टिवल पार्टीज जो होती हैं उसको बैन कर दिया,
शराब के यूज को इन्होंने बैन कर दिया, जितने भी इंटॉक्सिकेंट होते हैं सभी के यूज को इन्होंने बैन कर दिया था। ठीक है, अब अलाउद्दीन खलजी के बाद गद्दी पर कौन आया ये आपको पता होने चाहिए। अलाउद्दीन खलजी के बाद जो गद्दी पर आए वो थे मलिक कौफर। ठीक है, मलिक कौफर ने बाद में जो है गद्दी पर बिठा दिया शिहाबुद्दीन को, जो कि 16वें सन थे अलाउद्दीन खिलजी के। शिहाबुद्दीन को गद्दी से उतारा किसने? मुबारक शाह ने। मुबारक शाह ने 1316 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। मुबारक शाह को मारा नसरुद्दीन शाह ने 1320 में। फिर नसरुद्दीन शाह को मारा गाजी मलिक ने, या फिर आप कह सकते हैं जिसे इनका दूसरा नाम था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो नसरुद्दीन शाह को मारकर गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक डायनेस्टी की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक, जैसे मैंने आपको बताया ओरिजिनल नेम इनका गाजी मलिक था, इन्होंने तुगलकाबाद सिटी की स्थापना की थी। ये एक इम्पॉर्टेंट है इनके बारे में कि एक गांव में इनका फंक्शन होना था जहां पर इनके लिए एक पवेलियन लगाया गया था। तुगलकाबाद के पास एक गांव था, ठीक है, तो वहां पर जो वो पवेलियन बनाया गया था वो कलेप्स हो गया था, इन्हीं के ऊपर गिर गया था टूट के, तो इनकी मृत्यु हो गई थी। इब्न बतूता, ठीक है, मोरक्को का जो ट्रेवलर था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, उन्होंने रिवील किया था कि ये जो सारा का सारा जो षड्यंत्र एक रचा गया था गयासुद्दीन तुगलक को मारने का, वो उसके बेटे यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा रचा गया था, जिसका नाम जोना खान था। जोना खान बाद में बना मोहम्मद बिन तुगलक। तो इब्न बतूता मोरक्कन ट्रेवलर था जो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कुछ हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि इनका ओरिजिनल नाम जोना खान, जैसा मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, आप इनको एक विद्वान भी कह सकते हो जिन्हें फिलोसफी की, मैथमेटिक की, एस्ट्रोनॉमी की, फिजिकल साइंस की नॉलेज थी। ये प्रश्न पूछा जा चुका है इसलिए मैंने इस फैक्ट को जो है यहाँ पर कंसिडर किया है। थोड़ा मेडिसिन के बारे में भी जो है इनको जानकारी थी और डायलैक्ट्स के बारे में पूरे स्किलफुल थे। एक अच्छे कैलीग्राफर थे और जो है और सारी काफ़ी सारी भाषाओं की जो है ये ज्ञान रखते थे, जैसे कि पर्शियन, अरेबिक, टर्किश और इवन संस्कृत के बारे में भी जो है इनको ज्ञान था। इसकी बात हो रही है मोहम्मद बिन तुगलक की। टोकन करेंसी इन्होंने यूज की थी, टोकन करेंसी इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी ब्रास की, यूजिंग ब्रास और कॉपर कॉइन्स बैक्ड बाय सिल्वर और गोल्ड कॉइन इन ट्रेजरी। ठीक है, जो सिल्वर और गोल्ड कॉइन थे उनको वापस ट्रेजरी में भेज दिया और उनकी जगह पर ब्रास और कॉपर के सिक्के इन्होंने चलाए, जिन्हें टोकन करेंसी के नाम से जानते हैं। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट जो है इन्होंने कार्य किया था, आप कह लीजिए जो इनका ये प्रयास था बिल्कुल विफल रहा था। ठीक है, अपनी राजधानी को दिल्ली से देवागिरी शिफ्ट करना, बाद में देवागिरी को नाम बदलकर इन्हें दौलताबाद रख दिया था। ठीक है, और बाद में फिर वापस इन्होंने जो है देवगिरी से अपनी कैपिटल ये दिल्ली ले आई थी। ठीक, देवागिरी कैपिटल ये इसलिए लेके गए थे ताकि जो साउथ का एरिया है प्लस जो नॉर्थ का एरिया है उन दोनों को ये कंट्रोल कर सके, लेकिन इनका ये प्लान था जो विफल रहा। जैसा मैंने बताया इब्न बतूता मोरक्को का ट्रेवलर था जो इनके शासनकाल में जो है भारत आया था। इन्होंने एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की शुरुआत की थी जिसका नाम था दीवान ए कोही। दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया डिपार्टमेंट था। फिर इसके बाद फिरोज शाह तुगलक, जो कि 1351 से लेकर 1388 तक जिन्होंने शासन किया था। ठीक है, ही वॉज सन ऑफ हिंदू प्रिंसेस ऑफ दीपालपुर, ही इज बेस्ट नोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेटवर्क ऑफ कैनाल्स। ठीक है, कैनाल्स के बेस्ट नेटवर्क के कंस्ट्रक्शन के लिए जो है फिरोज शाह तुगलक को जाना जाता है। देखिए, जो फर्स्ट कैनाल इन्होंने फ्रॉम सतलुज रिवर से घग्गर रिवर तक बनवाई थी, दूसरी जो इन्होंने बनवाई थी वो यमुना से लेके हिसार तक। ठीक है, पहले ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने हसिल ए शरफ, मैं आपको नाम लिख देता हूँ, एक हसिल ए शरफ, ये क्या है, ये जो इन्होंने वाटर टैक्स लगाया था उसका नाम है हसिल ए शरफ, या फिर इसको कह सकते हैं हसिल ए शरब। ठीक है, ये इन्होंने शुरुआत की थी फिरोज शाह तुगलक ने। एक डिपार्टमेंट इन्होंने एस्टेब्लिश किया था दरुल शिफा, डिपार्टमेंट की ना कहकर मैं इसको कहूंगा, एक हॉस्पिटल इन्होंने बनवाया था, हॉस्पिटल जिसका नाम था दरुल शिफा।
DARULSHIFA, डैरुल शिफा। और एक डिपार्टमेंट इन्होंने एक नया बनवाया था जिसका नाम था दीवाने खैरत। जो गरीब लड़कियां होती हैं गरीब परिवार की, उनकी शादी करने के लिए इस डिपार्टमेंट को बनाया गया था, दीवान ए खैरत। बर्नी, जी हाँ, बर्नी इनके शासनकाल में एक ग्रेटेस्ट हिस्टोरियन था, ठीक है। उन्होंने दो लेख लिखे जिनका नाम था, पहले का था तारीख ए फिरोजशाही और दूसरा था फतवा ए जहांगीरी। ये इंपॉर्टेंट है, तारीख ए फिरोजशाही एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है किसके द्वारा लिखी गई है। बर्नी का पूरा नाम था जियाउद्दीन बर्नी। इनका पूरा नाम था जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट है, इसके बाद आती है लोदी डायनेस्टी, ठीक है। लेटर यहां पर बच गए आपके तुगलक लेटर, तुगलक जो कि 1388 से लेके 1414, वो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट उसमें आई थिंक है नहीं, ठीक है। तो यहां पर मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ लोदी डायनेस्टी पे। बीच में सही है डायनेस्टी भी आती है, 1414 से लेके 1450 तक जो है जिसने शासन किया था। एक मैं आपको बता देता हूँ सैयद डायनेस्टी के बारे में। सैयद डायनेस्टी के फाउंडर थे जो, वो थे खिजर खान, KHIZR, खिजर खान। जो तिमूर का जो आक्रमण हुआ था, तिमूर ने भारत पर आक्रमण किया था नूर क्षेत्र के अंदर, उस आक्रमण के अंदर खिजर खान ने हेल्प की थी। तो इससे खुश होकर जो क्षेत्र उसके द्वारा जीते गए थे, तो उसका गवर्नर जो है खिजर खान को बना दिया था। तो उसके जाने के बाद जो है खिजर खान ने सैयद डायनेस्टी की स्थापना की थी। अब सीधे मैं आपको लिए चलता हूं इसके बाद जो आई थी लोदी डायनेस्टी, ठीक है। लोदी डायनेस्टी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, जो फाउंडर लोदी डायनेस्टी के कहे जाते हैं, काफी ज्यादा बार इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है, यदि प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न उठा के देखें। लोदी डायनेस्टी के फाउंडर थे वो थे बहलोल लोदी, 1451 से लेके 1489 तक जो है इन्होंने शासन किया था। इनके बारे में एक बात प्रचलित है कि जो बहलोल लोदी थे वो कभी तख्त पर नहीं बैठे। तख्त कहने का मतलब है जो थ्रोन होता है, ठीक है, राजा का, उस पे वो कभी नहीं बैठे। वो हमेशा जो है आप कह लीजिए चटाई पर बैठते थे, ठीक है, जो उसके कोर्ट के अमीन्स होते थे उनके साथ, ठीक है। फिर बहलोल लोदी के बाद आए सिकंदर लोदी, जिन्होंने 1479 से लेके 1517 ईस्वी तक जो है शासन किया, ठीक है। इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इन्होंने जो है आगरा शहर की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट है, इनके बाद आए थे इब्राहिम लोदी, जो कि 1517 से लेके 1526 तक जिन्होंने शासन किया था, 1517 से 1526। ही वॉज द लास्ट ऑफ दिल्ली सुल्तान, ही वॉज डिफिटेड एंड किल्ड इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत अगेंस्ट बाबर इन 1526। दौलत खान लोदी थे, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि किस सुल्तान, आप कह लीजिए जो दौलत खान थे वो गवर्नर थे, कि कौन से दिल्ली के गवर्नर ने बाबर को इनवाइट किया था इंडिया पर आक्रमण करने के लिए, तो वो थे दौलत खान लोदी, ठीक है। दौलत खान लोदी ने जो है भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को बुलाया, और बाबर के साथ युद्ध में इब्राहिम लोदी, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध भी बोलते हैं, 1526 में हुआ था, ठीक है, उसमें जो है इब्राहिम लोदी हार गया था और इसको जो है मार दिया गया था। और फिर वहां से जो शुरुआत हो जाती है वो मुगल काल की, जब बाबर आया था तो उसने जो है अपने डायनेस्टी को आप कह सकते हो स्थापित किया। अब सीधा हम चलते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पर जो आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, वो हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, अभी मैंने आपको बताया था फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक।
जैसे मैंने आपको बताया था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो गुलाम था मोहम्मद गोरी का। क्वैतुल इस्लाम, कुतुब मीनार का निर्माण इन्होंने शुरू करवाया था। क्वैतुल इस्लाम मस्जिद जो है इन्होंने बनवाई थी दिल्ली के अंदर। ही वॉज डाइड वाइल प्लेइंग पोलो इन 1210। तो ये आपकी थोड़ी सी जो है रिवीजन हो जाएगी। लाहौर में इनको दफनाया गया था, अनारकली बाजार में, बाजार के पास। इन्हें रियल फाउंडर ऑफ तुर्किश रूलर इन इंडिया आप कह सकते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को। हु अबॉलिस्ट इक्ता सिस्टम, इक्ता सिस्टम को खत्म किसने किया था? देखिए, इक्ता सिस्टम को शुरू किसने किया था? इल्तुतमिश ने, सॉरी, और खत्म किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी अबॉलिस्ट इक्ता सिस्टम। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अब मैंने आपको बता दिया है इम्पोर्टेंट फैक्ट। जैसे कि मैं एक और बात करूं, दाग प्रथा, घोड़ों को दाग लगाने की जो प्रथा है अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू करी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी फोर्ट का निर्माण करवाया था। ठीक है, मेनली किस लिए करवाया था? मंगोल के आक्रमण से बचने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट सुल्तान जिन्होंने परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी बनाई थी, इक्ता सिस्टम इन्होंने खत्म किया था। ठीक है, जिसे स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने। सैलरी अपने सुल्तानों को, सुल्तान सॉरी सोल्जरों को कैश में देने का कार्य जो है शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। सोशल रिफॉर्म्स की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था, अल्कोहल, प्रोस्टिट्यूशन, मैजिशियन, चार्लेंटन्स, ये सारे के सारे बैन कर दिए थे किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। मलिक छज्जू गवर्नर ऑफ कारा, कारा का गवर्नर था मलिक छज्जू, वो अलाउद्दीन खिलजी को इफेक्टिव रूलर मानता था। तो इसने जो है इसके खिलाफ जो है रिवोल्ट, विद्रोह आप कह सकते हो, किया था। सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी के नाम से किसे जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, सिकंदर ए सानी का मतलब है सेकंड अलेक्जेंडर। नेक्स्ट है, रूलर ऑफ बुंदेलखंड डिफिटेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक वाज, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन से बुंदेलखंड रूलर को हराया था? तो वो थे परमर्दी देवा। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर, परमर्दी देवा। नेक्स्ट है, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली फाउंडेड एंड बिल्ट द फोर्ट ऑफ सीरी, सीरी फोर्ट का निर्माण किसने करवाया था? अभी मैंने आपको बताया था सीरी फोर्ट का निर्माण किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था मंगोल के आक्रमणों से बचने के लिए। तेरह सौ तीन ईस्वी में बनाया था। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग अमीर्स वाज वन पब्लिकली फ्लॉग्ड बाय ऑर्डर ऑफ सुल्तान बलबन, सुल्तान बलबन के आदेश पर कौन से अमीर्स को जो है आप कह लीजिए बीच पब्लिक के बीच में जो है पीट पीट कर मार दिया गया था, फ्लॉग्ड? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मलिक बकबक, मलिक बकबक। नेक्स्ट है, हु वाज द गवर्नर ऑफ पारा मणिपुर टू हैव रिवोल्टेड अगेंस्ट सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी? अभी मैंने आपको बताया था मलिक छज्जू, ठीक है, कारा का जो गवर्नर था। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वर कॉल्ड न्यू मुस्लिम ड्यूरिंग रेन ऑफ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी? न्यू मुस्लिम किसे कहा गया था? देखिए, कुछ ऐसे मंगोल्स के इन्वेडर से जो आकर दिल्ली बस गए थे, ठीक है, यहाँ दिल्ली में ही रह गए थे, तो बाद में इन्होंने जो है इस्लाम धर्म अपना लिया और उस समय के जो राजा थे उन्होंने इनके रहने की जो है व्यवस्था की थी, तो इन्हें न्यू मुस्लिम के नाम से जो है जाना जाता है। तो मंगोल्स यहाँ पर आप कह सकते हो, ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। लार्ज नंबर ऑफ मंगोल हु हैड अराइव्ड विद लार्ज आर्मीज एंड शॉर्ट सर्विस अंडर बलबन एंटर्ड इन टू रिलेशनशिप विद मुस्लिम नोबल्स। इन 1291 द मंगोल इन्वेडर अलगू विद 4000 मंगोल्स एंड देयर फैमिलीज मेड इंडिया हिज होम। द कॉलोनी ऑफ दीज न्यू मुस्लिम केम टू बी कॉल्ड मुगलपुरा, जिस कॉलोनी में रहते थे उसका नाम था मुगलपुरा। तो इन सभी ने क्या था? इस्लाम कबूल कर लिया था।
नेक्स्ट है विच सुल्तान ऑफ दिल्ली मेड अ रूल दैट इन एनी गिवन ईयर द लैंड रिवेन्यू कैन बी इंक्रीज ओनली नॉर्मली विज 1/10 ऑफ 1/11 ऑफ द फिक्स्ड रिवेन्यू। तो ये कौन से सुल्तान ने किया था? गियासुद्दीन तुगलक ने। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है तारीख ए फिरोज शाही वॉज रिटन बाय। मैंने आपको बताया था तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखा था? तारीख ए फिरोज शाही लिखा था अमीर खुसरो ने, सॉरी बर्नी ने, जियाउद्दीन बर्नी ने। नेक्स्ट है टर्किश ब्रॉट विद देम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जो टर्किश थे, तुर्की थे, जो अपने साथ जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेकर आए थे, उनका क्या नाम था? तो वो थे रबाब एंड सारंगी। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है हु ऑफ द फॉलोइंग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर ऑफ हिज फादर। अपने पिता की हत्या के लिए इनमें से कौन सा सुल्तान जो है रिस्पॉन्सिबल था? मैंने आपको बताया था मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पिता के लिए जो एक पवेलियन बनवाया था जहां पर उनका फंक्शन होने वाला था गाँव के अंदर तुगलकाबाद के पास, तो वो पवेलियन उनके ऊपर ढहकर गिर गया था। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, जिनके पिता थे गियासुद्दीन तुगलक। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ अमीर खुसरो डील्स विद मिलिट्री एक्सपेडिशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो कौन सा वर्क्स है अमीर खुसरो के द्वारा जो अलाउद्दीन खिलजी के एक्सपेडिशन, मिलिट्री एक्सपेडिशन जो उनका था, उसको उसके बारे में जो है नॉलेज मिलती है? तो वो है खजेन उल फुतुह। खजेन उल फुतुह ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। अमीर खुसरो की बात करूं जिन्हें तूत ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है या पैरेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ड्यूरिंग रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी ही रोट खजा इन उल फतुह द ट्रेजरी ट्रेजर्स ऑफ विक्ट्री रिकॉर्डिंग अलाउद्दीन कंस्ट्रक्शन वर्क्स वास एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। उसके शासनकाल के दौरान जो भी थी, ठीक है, वो सारा इसमें दर्शाया गया है। हु अमंग द फॉलोइंग फॉरेन हिस्टोरियन इज कंसिडर्ड एन अथॉरिटी ऑन हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो इनका आंसर है क्रिस बेल, एन अथॉरिटी ऑन द हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सल्तनत, इनका नाम है क्रिस बेल। ज्यादा मैं इनके बारे में आपको कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। नाइटहुड की उपाधि इनको जो है क्रिस बेल को दी गई थी, तो इन्होंने अपने एक बयान दिया था, मैं आपको एक बार पढ़कर बता देता हूँ। आई रिगार्ड दिस नॉट ओनली एज अ ग्रेट पर्सनल ऑनर बट एज एन हिस्टोरियन ऑफ इंडिया एज रिकॉग्निशन ऑफ द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड। नेक्स्ट है विच सुल्तान ऑफ दिल्ली कैटेगराइज द उलेमा इन टू उलमा ए अखीराल एंड उलमा ए दुनिया एंड प्रेज्ड द फॉर्मर। तो इसका आंसर है बलबन। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर, बलबन। अबाउट विच सुल्तान ऑफ दिल्ली डिड बर्नी राइट दैट ही हैड हिज अमीर्स मर्डर्ड साइलेंटली। तो बर्नी ने कौन से सुल्तान को जो है पत्र लिखा था कि उसके जो अमीर्स हैं उनकी जो है चुपके चुपके से हत्या कर दी जा रही है? तो बर्नी ने लिखा था ये पत्र बलबन को। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर, बलबन। Who was the author of फुतुहत ए फिरोज शाही? इसके ऑथर कौन थे? सुल्तान फिरोज शाह। फुतुहत ए फिरोज शाही के ऑथर थे सुल्तान फिरोज शाह। फुतुहत ए फिरोज शाही को लिखा था सुल्तान फिरोज शाह ने, जो अपना उसका शासनकाल था, ठीक है, उसने जितने भी सारे रूल्स रेगुलेशन से, ठीक है, वो सारे उन्होंने जो है इसमें डिस्कस किए थे फुतुहत ए फिरोज शाही।
द सिटी ऑफ जौनपुर वॉज फाउंडेड बाय, सिटी ऑफ जौनपुर किसके द्वारा स्थापित की गई थी, सिटी ऑफ जौनपुर वॉज फाउंडेड बाय फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। और कौन कौन सी सिटी जो है तुगलक फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित की थी, देखिए जौनपुर हमने पढ़ लिया, फतेहाबाद, हिसार, सलूरा, फिरोजपुर, ये जो सिटी है इन्होंने जो है स्थापित की थी। जौनपुर, फिरोजपुर, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद। नेक्स्ट है द फर्स्ट सिल्वर टका ऑफ दिल्ली सल्तनत वॉज इशूड बाय, सिल्वर टका सबसे पहले किसने इशू किया था, बताइए किसने इशू किया था। मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरू में, इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस प्योरली अरेबिक कॉइनेज, द क्रेडिट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द सिल्वर टका एंड कॉपर जीतल, ये दो बेसिक कॉइन थे दिल्ली सल्तनत काल। विच वन ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड द रॉयल सेक्रेटेरिएट ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, जो रॉयल सेक्रेटेरिएट होता था उसे दिल्ली सल्तनत में क्या कहा जाता था, दीवाने इंशा बोला जाता था, ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। ठीक है, दीवाने अरीज होता था, सबसे पहले होता था वजीर, वजीर के बाद होता था दीवाने अरीज जो कि कंट्रोलर जनरल ऑफ मिलिट्री होता था, फिर होता था दीवाने इंशा जैसा मैंने अभी आपको बताया, द रॉयल कॉरेस्पेंडेंस एंड रैंक थर्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, फिर होता था दीवाने रिसालत, मिनिस्टर होता था ऑफ फॉरेन अफेयर, वाज चार्ज ऑफ डीलिंग विद डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंस एंड एम्बेसडर्स। ये आपको पता होने चाहिए, दीवाने अरीज, दीवाने इंशा और दीवाने रिसालत। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच दिल्ली सुल्तान द स्टेट डिपार्टमेंट फॉर ट्रांसलेशन वॉज इस्टेब्लिश फॉर ट्रांसलेटिंग संस्कृत टेक्स्ट इंटू अरेबिक, पर्शियन एंड वाइस वर्सा। तो किसके शासनकाल में जो है ये हुआ था, तो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर, सिकंदर लोदी, जो संस्कृत के लेख थे उनको अरेबिक और पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए डिपार्टमेंट बनाया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा। विच वन ऑफ फॉलोइंग नेम्स वॉज नॉट इंक्लूडेड इन खतबा ऑफ फिरोज शाह तुगलक, इसका आंसर है ए कुतुबुद्दीन ऐबक। बलबन फेल्ड टू एक्सपेंड हिज टेरिटरी बिकॉज ऑफ, बलबन नाकाम हो गया था अपनी जो है टेरिटरीज, अपने क्षेत्र की टेरिटरीज को एक्सपेंड करने में, ऐसा क्यों, बलबन प्रेफर्ड कंसोलिडेशन ओवर एक्सपेंशन, मतलब कि कंसोलिडेट इकट्ठा करके रखना, अपने क्षेत्र को सीमित करके रखना, इसमें विश्वास रखता था बलबन, और वह ओवर एक्सपेंशन में एम्पायर के विश्वास नहीं रखता था। और दूसरा जो था वो था कारण एक मंगोल के आक्रमण का, उसको लगता था कि जितना बड़ा उसका क्षेत्र होगा उतना ज्यादा जो है प्रोन होगा उसके लिए, ठीक है, मंगोल्स के आक्रमण को ध्यान में रखते हुए भी जो है आप कह सकते हो बलबन फेल टू एक्सपेंड हिज टेरिटरी। तो यहाँ पे आप कह सकते हो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, फियर ऑफ मंगोल इन्वेडर्स। Which one of following was not constructed by कुतुबुद्दीन ऐबक, निम्नलिखित में से किसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा नहीं करवाया गया था, वह डी ऑप्शन डी अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था, मैंने आपको बताया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था 1311 ईस्वी में। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलाउद्दीन इन्वेशन वारंगल वॉज रूल्ड बाय, अलाउद्दीन खिलजी का जो साउथ में एक्सपेंशन के लिए मलिक कौफर को भेजा गया था, ठीक आप कह सकते हो अलाउद्दीन इन्वेशन के समय वारंगल का जो शासक था वो कौन था, वारंगल का उस समय जो शासक था वो काकतीय डायनेस्टी के द्वारा रूल किया जा रहा था, जो राजा थे उनका नाम था रुद्र देवा,
ठीक है, मलिक कौफर के सामने इन्होंने सरेंडर कर दिया था, और इन्होंने मलिक कौफर को 2000 घोड़े हॉर्सेस, 100 एलिफेंट, 100 हाथी और कोहिनूर डायमंड, दिया था। तो ये वो पल था जहां से कोहिनूर डायमंड जो है दिल्ली सुल्तान के अधीन चला गया था। नेक्स्ट है ऑप्शन क्वेश्चन, विच न्यू डिपार्टमेंट वॉज स्टार्टेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए कौन सा नया डिपार्टमेंट शुरू किया गया था। मैंने आपको बताया था दीवाने अशरफ, दीवाने कोही, दीवाने मुस्कराज और दीवाने रिसालत, तो वो था दीवाने कोही, ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर, दीवान ए कोही। हु अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूटेड तुर्कान ए चिहलगानी, तुर्कान ए चिहलगानी या जिसे चलीसा भी बोलते हैं, एक ग्रुप था 40 स्लेव्स का, 40 गुलामों का, जिसे बनाया था इल्तुतमिश ने, ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर, इल्तुतमिश ने। विच वन ऑफ फॉलोइंग सुल्तान वॉज एन ऑफ स्प्रिंग ऑफ इल्तुतमिश एंड वॉज द लास्ट सक्सेसर ऑफ हिज डायनेस्टी, कौन सा सुल्तान था, नसरुद्दीन महमूद, नसरुद्दीन महमूद, ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। विच वन ऑफ फॉलोइंग सन्स ऑफ अलाउद्दीन Which one of following sons of Alauddin Khilji was born of his wife Jayathapalli, the daughter of Raja Ramchandra Dev of Devagiri? तो कौन था, ऑप्शन ए बी सी डी, शिहाबुद्दीन उमर, हिजरा खान, कुतुबुद्दीन मुबारक और सदी खान। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, शिहाबुद्दीन उमर। The ethnic composition of armies of Ghaznavi did not include, जो गजनवी की आर्मी थी उसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र से लोग थे, ठीक है आपको बताना है इसमें से ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसकी लोग जो है उसकी आर्मी में नहीं इंक्लूड थे। तो ग्रीक्स, ऑप्शन डी है सीधी सी बात, ऑप्शन डी ग्रीक्स। अरब्स भी थे, इंडियंस भी थे, तजिक्स भी थे, लेकिन ग्रीक्स नहीं थे उसकी आर्मी में। नेक्स्ट है द अबीब ए सिकंदरी विच वॉज कंपाइल्ड फ्रॉम संस्कृत सोर्स डील विद, किसे डील करती है, तबीब ए सिकंदरी, तबीब ए सिकंदरी, ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर, मेडिसिन से रिलेट करती है। द टर्म सौंधार एज अ लोन टू पीजेंट वॉज यूज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, क्या सौंधार जो लोन दिया जाता था किसानों को, ठीक है फर्स्ट टर्म किसके द्वारा जो है यूज की गई थी, इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक, जी हाँ मोहम्मद बिन तुगलक। तकवी एंड सौंदर वर द लोन्स दैट वर गिवन टू फार्मर्स, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान्स इनवोक्ड पर्शियन मोनार्किकल्स ट्रेडिशंस एंड एडजस्टेड देम इनटू इंडियन मिल्यू, कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने पर्शियन मोनार्किकल ट्रेडिशन को इंडिया के बीच में आप कह लीजिए एडजस्ट करने का काम किया था, मिलाने का काम किया था, आप ऐसे बोल सकते हैं, उसका नाम बताना है आपको, तो वो है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश इनवोक्ड पर्शियन मोनार्किकल ट्रेडिशन एंड एडजस्टेड देम टू इंडियन मिल्यू, ही कंसोलिडेटेड द एम्पायर बाय ऑर्गेनाइजिंग द Nobility into a select group of 40 known as Chahalgani. He divided the Sultanate into small and large tracts called Iktas. Ikta system जो इनके द्वारा शुरू किया गया था। So next option question है आपका, which of the following represented the Royal Secretariat during the Sultanate period? Royal Secretariat किसके द्वारा जो है represent किया, मैंने अभी आपको बताया था दीवाने इंशा, option B है इसका right answer. शहशगानी वॉज अ स्मॉल सिल्वर कॉइन इक्वल टू, किसके बराबर होता था, शहशगानी, शहशगानी होता था 6 जीतल के बराबर, ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर।
द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन बहामीन एंड विजयनगर किंगडम वॉज, ठीक है, तो कौन सा क्षेत्र इनके बीच में जो है झगड़े का प्रमुख कारण था, वो तो बहुत था, कृष्णा तुंगभद्रा दुआब। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक वीडियो इनके बारे में बनाएंगे, विजयनगर किंगडम और बहामी किंगडम के बारे में, इनके भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन गज ए सिकंदरी एंड गज ए इलाही वॉज, ठीक है, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस इस क्वेश्चन की नहीं, आपके एग्जाम में आने की इसकी संभावना बिल्कुल कम है, फिर भी मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं प्रश्न, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान रिसीव्ड द टाइटल ऑफ सैयद उस सल्तीन फ्रॉम द कलीफ, कौन से सुल्तान को जो है कलीफ से टाइटल मिला था सैयद उस सल्तीन का, तो वो सुल्तान थे, ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर बलबन। हु फाउंडेड आगरा, आगरा की स्थापना किसने की थी, ये हम कर चुके हैं, आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। इबन बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ किसके शासनकाल के दौरान, इबन बतूता जो है मोरक्कन ट्रेवलर था, भारत आया था, मैंने आपको बताया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, ऑप्शन डी है राइट आंसर। विच वन ऑफ फॉलोइंग सुल्तान करेंसी कंटिन्यूड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज टिल द टाइम ऑफ अकबर, कौन से सुल्तान की करेंसी जो है अकबर के शासनकाल तक कह सकते हो आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज चली थी, कौन से सुल्तान की थी, ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर, इब्राहिम लोदी। मोस्ट अथॉरिटेटिव अकाउंट ऑफ मलिक कोफर्स डेक्कन कंपेन इज गिवन बाय, मलिक कोफर ने जो डेक्कन क्षेत्र को जीता था तो उसकी कार्य आप कह सकते हो, इसके जो ऑपरेशन की जो हमें जानकारी मिलती है वो कहां से मिलती है, अमीर खुसरो के लेखों द्वारा जो उन्होंने लिखे थे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ फॉलोइंग सुल्तान्स हैड क्लोज कॉन्टेक्ट विद जैन स्कॉलर्स, कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसके जैन जो विद्वान थे जैन उनके साथ अच्छे रिश्ते थे, तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टर्किश कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया वॉज द अर्बन रेवोल्यूशन, हु सेड दिस स्टेटमेंट, किसके द्वारा ये स्टेटमेंट कही गई है कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टर्किश कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया वॉज द अर्बन रेवोल्यूशन, ये स्टेटमेंट कही गई है एम हबीब के द्वारा। नेक्स्ट है निजामुद्दीन जुनेदी वॉज वजीर ऑफ, निजामुद्दीन जुनेदी किसका वजीर था, जो निजामुद्दीन जुनेदी वजीर था इल्तुतमिश का। हु अमंग द फॉलोइंग हिस्टोरियंस हैड अकम्पेन्ड अलाउद्दीन खिलजी इन हिज डेक्कन कंपेन, अमीर खुसरो, ये प्रश्न हम जो है अभी दूसरी बार डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, अमीर खुसरो के जो वर्क इन्होंने लिखे थे, जितनी भी बुक्स इन्होंने लिखी थी उनसे जानकारी मिलती है अलाउद्दीन खिलजी के डेक्कन की जो उसकी कंपेन थी डेक्कन के क्षेत्रों को जीतने की। नेक्स्ट है अमीर खुसरो रोट हिज फेमस मसनवी अशिका ऑन द ऑर्डर ऑफ, किसके ऑर्डर पर जो है इन्होंने अपनी फेमस मसनवी अशिका लिखी थी, तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन ए। विच वन ऑफ फॉलोइंग वाज नॉट अ स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी, निम्नलिखित में से कौन सा जो है मोहम्मद गोरी का स्लेव नहीं था, तो इसका आंसर है इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी, जो कि स्लेव नहीं था मोहम्मद गोरी का। उसके बाद तजुद्दीन यालदोज, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, ये सारे के सारे जो है स्लेव थे मोहम्मद गोरी के। द स्टेटमेंट इंडिया इज नॉट अरेबिया इट इज नॉट प्रैक्टिकली फिजिबल टू कन्वर्ट इट इन टू करुल इस्लाम इज एसोसिएटेड विद, ये स्टेटमेंट कौन से सुल्तान ने दी थी बताइए, इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो ये दी थी इल्तुतमिश, ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है विद विच सुल्तान ऑफ दिल्ली डू यू एसोसिएट द कंपाइलेशन ऑफ किंगशिप थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कॉल्ड वसाया, तो इसका आंसर है बलबन,
ऑप्शन बी बलबन। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ फॉलोइंग वर्क्स ऑफ अमीर खुसरो डील्स विद द मिलिट्री एक्सपेडिशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। दूसरी बार हम इस प्रश्न को कर रहे हैं, बताइए इसका आंसर क्या है। खजेन उल फुतुहु, ऑप्शन बी। दूसरी बार हम इस प्रश्न को कर रहे हैं। हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स हैज बीन गिवन द टाइटल ऑफ हुजत उल इस्लाम। कौन से विद्वान को जो है ये टाइटल दिया गया था हुजत उल इस्लाम। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर, शाह वली उल्लाह। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ फॉलोइंग वॉज नॉट अ करेंसी इन सर्कुलेशन अंडर सुल्तान ऑफ दिल्ली। कौन सी करेंसी जो है सर्कुलेशन में नहीं थी। जो दम है वो करेंसी सर्कुलेशन में नहीं थी दिल्ली सल्तनत के समय में। जो दम थी वो सर्कुलेशन में थी शेरशाह सूरी के समय में, ठीक है। और कॉपर की बनी हुई होती थी, इसकी जो वैल्यू होती थी वो होती थी 1/40 ऑफ 1 रुपी कॉइन। बाकी टंका डोगनी और जीतल दिल्ली सल्तनत में चलते थे। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नेम ऑफ जैन संत विद हुम मोहम्मद बिन तुगलक हेल्ड डिस्कशन। इसके साथ जो है वार्तालाप मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, वो कौन से ऐसे जैन संत थे उनका नाम आपको बताना है। तो उनका नाम था, ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर, जीना प्रभा सूरी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली फॉर द फर्स्ट टाइम बैन द विजिट ऑफ मुस्लिम वुमेन टू द टॉम सिचुएटेड आउटसाइड दिल्ली। तो कौन से दिल्ली सल्तनत के रूलर के द्वारा ये बैन कर दिया गया था मुस्लिम वुमेन्स का जो मकबरे दिल्ली से आउटसाइड स्थित थे उनको विजिट करने का। तो किसके द्वारा बैन किया गया था, ये बैन किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट है, विच मुस्लिम रूलर प्लेड होली फॉर द फर्स्ट टाइम इन मिडेवल इंडिया। पहली बार होली मिडेवल इंडिया के अंदर, ठीक है, कौन से मुस्लिम रूलर ने खेली थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। हु डिस्ट्रॉयड द नालंदा यूनिवर्सिटी इन 1193 एडी एंड बर्न्ड इट डाउन। नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने डिस्ट्रॉय किया था। देखिए, बख्तियार खिलजी डिस्ट्रॉयड द नालंदा यूनिवर्सिटी 1193 एडी के अंदर इन्होंने इसको डिस्ट्रॉय किया था और इसको आग लगा दी थी। अब ये जो इवेंट था, इस इवेंट को आप कह सकते हो कि जब इसको नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया गया, उसके अंदर जितने भी लेख रखे हुए थे उनको जला दिया गया, तो एक इवेंट आप कह सकते हो बन गया था, ऐसा माइलस्टोन बन गया था जहां से बुद्धिज्म जो था वो इंडिया के अंदर घटना शुरू हो गया, ठीक है। तो किसने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया था 1193 के अंदर। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। विच वन ऑफ फॉलोइंग सुल्तान इज क्रेडिटेड विद अपॉइंटमेंट ऑफ अमीर सदहा इन द प्रोविंस। तो ये क्रेडिट दिया जाता है मोहम्मद तुगलक को। नेक्स्ट है, द स्टेट लैंग्वेज ऑफ इंडियन ड्यूरिंग टर्किश पीरियड वॉज। तुर्किश पीरियड के समय जो इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज थी, स्टेट लैंग्वेज थी, वो कौन सी थी। तो वो थी पर्शियन, ऑप्शन बी पर्शियन। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन जियाउद्दीन बरनी द आइडियल सुल्तान ऑफ दिल्ली वॉज। देखिए, जियाउद्दीन बरनी थे जो आइडियल सुल्तान मानते थे वो फिरोज शाह तुगलक को मानते थे। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ फॉलोइंग सुल्तान हैड क्लोज कॉन्टेक्ट विद जैन स्कॉलर्स। ये अभी हमने पढ़ा था, मोहम्मद बिन तुगलक हैड क्लोज कॉन्टेक्ट विद जैन स्कॉलर्स। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर,
जैन नेम प्रभु सूरी। को जो है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जो है बुलाया गया था। जैन नेम है प्रभु सूरी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज एन ऑक्टागोनल टॉम्ब। निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्टागोनल टॉम्ब है? जो सिकंदर लोबी की जो मकबरा है वो ऑक्टागोनल है। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर, टॉम्ब ऑफ सिकंदर लोदी। द टॉम्ब ऑफ मोहम्मद शाह एंड सिकंदर लोदी इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ ऑक्टागोनल टॉम्ब। नेक्स्ट है, विच सुल्तान ऑफ सल्तनत पीरियड इंट्रोड्यूस्ड इरिगेशन टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर, फिरोज तुगलक। इंट्रोड्यूस इरिगेशन टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, फिरोज शाह तुगलक वॉज कजन ब्रदर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, बिकेम द रूलर ऑफ दिल्ली ऑन 23 मार्च 1351 AD। 1351 AD में राजा बने, तो इन्होंने लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। मैंने आपको बताया भी था। नेक्स्ट है, विद विच सूफी संत ऑफ दिल्ली इज एसोसिएटेड द फेमस सेइंग हनूज दिल्ली दूर अस्त? हनूज दिल्ली दूर अस्त का सबसे पहले मैं आपको मतलब बता देता हूं। इसका मतलब है इट्स अ लॉन्ग वे टू दिल्ली, इट्स अ लॉन्ग वे टू दिल्ली। दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। देखिए, निजामुद्दीन औलिया सूफी संत थे दिल्ली में, उनसे ये जो है फेमस सेइंग जुड़ी हुई है, अनूज दिल्ली दूरस्त। जो सुल्तान गियासुद्दीन थे वो काफी परेशान हो गए थे, सूफी संत थे, निजामुद्दीन औलिया नाम था इनका, ठीक है। तो इन्होंने जो है कसम खाई गियासुद्दीन ने कि वो जो है इनका सिर कलम कर देंगे, निजामुद्दीन औलिया का। तब उन्होंने कहा था इस रिस्पॉन्स में कि अनूज दिल्ली दूरस्त, विच मीन्स इट्स अ लॉन्ग वे टू दिल्ली। तो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर, निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट है, हु एस्टैब्लिश दीवाने मुस्तका राज, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? देखिए, रिवेन्यू एरियर्स को कलेक्ट करने के लिए एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया था जिसका नाम था दीवाने मुस्तका राज। दीवाने मुस्तका राज डिपार्टमेंट जो बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। Who among the following Sultan of Delhi founded the city of Agra? City of Agra किसने स्थापित की थी? City of Agra स्थापित की थी सिकंदर लोदी ने। और सिकंदर लोदी का जो ओरिजिनल नाम था वो क्या था? निजाम खान, ठीक है। बहलोल लोदी के दूसरे बेटे थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद जो है ये शासन बने। नेक्स्ट है, हु अमंग फॉलोइंग हिस्टोरियन वॉज मेड प्रिजनर बाय मंगोल? निम्नलिखित में से किसको मंगोल्स ने जो है बंदी बना लिया था वो आपको बताना है। अमीर खुसरो वॉज मेड प्रिजनर बाय मंगोल। खुसरो वॉज अ ग्रेट पोएट, आप भी जानते हैं, क्रिएटेड मच दीवान पोएट्री लाइक तुहफतुस सिगर, तुहफतुस सिग। वो लॉयल सर्वेंट थे किसके? सुल्तान मोहम्मद के। हु वाज अ सेकंड सन ऑफ बलबन। खुसरो आल्सो फोट अगेंस्ट द मंगोल्स एंड ही वाज इम्प्रिजन ड्यूरिंग अ वॉर।
ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर, अमीर खुसरो। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान्स इंट्रोड्यूस प्रोफेशनल कोर्सेज इन एजुकेशन। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, कौन से सुल्तान ने एजुकेशन के अंदर जो है प्रोफेशनल कोर्सेज की शुरुआत की थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। हु अमंग द फॉलोइंग हैज गिवन अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द पोस्टल सिस्टम ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। सल्तनत पीरियड के समय में जो पोस्टल सिस्टम था उसकी कंप्लीट जानकारी किसने दी है, तो वो दी है इबन बतूता ने। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ वर्क वाज लुक आफ्टर बाय द डिपार्टमेंट ऑफ दीवाने कोही अंडर मोहम्मद तुगलक। दीवाने कोही डिपार्टमेंट जो बनाया था किसके लिए बनाया था, एग्रीकल्चर वर्क के लिए। सो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर, एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है, द लैंड विच डायरेक्टली याइल्डेड रिवेन्यू टू द सुल्तान वाज नोन एज। जिसका जो रिवेन्यू सीधा सुल्तान को जाता था उसे खलीसा बोला जाता था। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर, खलीसा। इजरादारी सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन, इजरादारी सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन जगीर लैंड। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर, इजरादारी सिस्टम जगीर लैंड में इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ फॉलोइंग सुल्तान्स ब्रॉट द अशोकन पिलर टू दिल्ली। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, अशोकन पिलर को जो है दिल्ली को ऑन लेकर आया था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग डाइड वाइल प्लेइंग चौगन। चौगन खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है, हु ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली हैड एबोलिश द टैक्स ऑन ग्रेन्स आल्सो कॉल्ड जक्त ऑन ग्रेन्स। सो अनाज के ऊपर जो टैक्स लगता था जिसे जक्त बोला जाता था, जकत बोला जाता था, उसको एबॉलिश किया था किसने, ये आपको बताना है। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर, सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी। व्हाट वाज अर्घता, अर्घहत्ता, अर्घहत्ता क्या है, इसमें से आपको बताना है। दिल्ली सल्तनत के समय में ये था, मशीन थी फोर्टिस, जो फोर्ट होते थे, किले होते थे, उनको तोड़ने के लिए। एक इरिगेशन कैलान का ना कैनाल का नाम है, या फिर डिवाइस टू लिफ्ट वाटर है, या फिर टाइप ऑफ क्लोथ है। तो एक प्रकार की मशीन सी जिसे पानी उठाया जाता था। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर, अर्घहत्ता। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक डेथ इल्तुतमिश वॉज द सूबेदार ऑफ। इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हुई थी, बदियोन, सूबेदार ऑफ बदियोन। नेक्स्ट है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द सुल्तान ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ तिमूर इन्वेशन। तिमूर का जो आक्रमण हुआ था उस समय जो है दिल्ली का शासन कौन था उस समय, नसरुद्दीन मोहम्मद महमूद शाह तुगलक, नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर, 1398 में तैमूर ने जो है दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, ऑन हूज कॉइन्स द नेम ऑफ लास्ट खलीफा ऑफ बगदाद अपियर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। अलाउद्दीन मसूद शाह, जो भी लास्ट खलीफा थे बगदाद के। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर, अलाउद्दीन मसूद शाह। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली इम्पोज जजिया ऑन ब्राह्मीन आल्सो। ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मीन्स पर भी जो है जजिया कर लगाया था। नेक्स्ट है, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। सिकंदर सानी, मैंने आपको बताया था ये प्रश्न पूछा जाता है।
ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली हैज एस्टेब्लिश अ सेपरेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड हैड प्लान्ड द रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। तो कौन से सुल्तान ने दिल्ली के अंदर जो है सेपरेट अलग से कृषि डिपार्टमेंट आप कह सकते हो बनाया था? तो वो होते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान बिल्ट द फिफ्थ स्टोरे ऑफ कुतुब मीनार, पांचवी मंजिल फिफ्थ स्टोरे किसने बनाई थी कुतुब मीनार की, ये आपको बताना है। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के समय में जो मीनार थी कुतुब मीनार थी, बिजली गिरने के कारण जो उसके दो फ्लोर थे वो ध्वस्त हो गए थे, ठीक है, दो टॉप फ्लोर थे, तो उसका जो रिपेयर फिर करवाई थी फिरोज शाह ने। नेक्स्ट है, विच मिडिएवल किंग ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम, इक्ता सिस्टम किसने शुरू किया था? देखिए कितनी बार मैं आपको बता चुका हूँ इक्ता सिस्टम के बारे में, इल्तुतमिश ने जो है इक्ता सिस्टम शुरू किया था। व्हाट वाज दारुल शफा इस्टेब्लिश बाय फिरोज तुगलक? दारुल शफा मैंने आपको बताया था हॉस्पिटल था, दारुल शफा एक हॉस्पिटल था जिसका निर्माण करवाया था फिरोज तुगलक ने। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। हु वर इंस्ट्रूमेंटल इन डिपोजिंग रजिया बेगम? तो बताइए कौन था इंस्ट्रूमेंटल? तर्किश। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। फॉर द फर्स्ट टाइम द टोकन करेंसी इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, टोकन करेंसी किसने शुरू की थी फर्स्ट टाइम? मैंने आपको बताया था मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी शुरू की थी, जो सिल्वर और सोने के जो सिक्के थे उनको रिप्लेस किया था कॉपर और ब्रॉन्ज के सिक्कों से साथ, जिसे टोकन करेंसी के नाम से जाना जाता है। विच मुस्लिम रूलर एनफोर्स्ड प्राइस कंट्रोल सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम? प्राइस कंट्रोल सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम किसने किया था, कौन से मुस्लिम रूलर ने? अलाउद्दीन खलजी ने। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट इस्टेब्लिश बाई फिरोज तुगलक? निम्नलिखित में से कौन सा है जो फिरोज शाह तुगलक ने इस्टेब्लिश नहीं किया था, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर, दीवाने मुस्का राज। दीवाने मुस्का राज मैंने आपको बताया था रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए डिपार्टमेंट बनाया था। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान रूलर हिमसेल्फ अनकरेज्ड ब्राइबरी इन एडमिनिस्ट्रेशन? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी जो शासन था उसके बारे में बात कही जाती है कि सुल्तान फिरोज शाह तुगलक रेन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ग्रेटेस्ट एज ऑफ करप्शन इन मिडेवल इंडिया। इनके शासन के बारे में ये बात कही जाती है, इसलिए ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर, फिरोज शाह तुगलक। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डिस्क्राइब्ड द क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल मुस्लिम रूलर? आइडियल मुस्लिम रूलर की क्वालिटीज जिसमें दर्शाई गई हैं उस वर्क का नाम, उस वर्क का नाम आपको बताना है। तो कौन सा है? तो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर, फतवाई जहांदरी। फतवाई जहांदरी डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ एन आइडियल मुस्लिम रूलर।
विच वन ऑफ फॉलोइंग सुल्तान एज्यूम्ड द टाइटल उम्दत उल निस्वान ऑन द कॉइन, किसने ये टाइटल जो है धारण किया था उम्दत उल निस्वान। तो इसका आंसर है रजिया सुल्तान, रजिया ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु वॉज द रूलर ऑफ देवागिरी एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन्वेशन, कौन था रूलर, देवागिरी का रूलर कौन था, देवागिरी का जो रूलर था वो था रामचंद्र देव। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर, रामचंद्र देव। नेक्स्ट है, द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद वाज ऑर्डर्ड बाय सुल्तान, कौन सा सुल्तान जो अपनी कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। सो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। वैसे जो ओरिजिनल नाम था इसका वो था दियोगिर, बाद में बदल के इसको दौलताबाद किया था। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली वॉज द फर्स्ट टू चार्ज घरी और हाउस टैक्स, हाउस टैक्स सबसे पहले किसने लगाया था ये आपको बताना है। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर, अलाउद्दीन खलजी। जी हाँ, अलाउद्दीन खलजी। नेक्स्ट है, इबन बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग रेन ऑफ, इबन बतूता किसके शासनकाल के दौरान इंडिया आया था, तो वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ फॉलोइंग रूलर विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स ऑफ द मिडिवल इंडिया बिगेन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसने शुरू किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सेड टू हैव फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, देखिए ये प्रश्न भी आ गया आपका, मैंने आपको बताया था ये ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी कौन से सुल्तान ने अपनाई थी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश और बलबन। तो इसका आंसर है आपका ग्यासुद्दीन बलबन, ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर, ग्यासुद्दीन बलबन। फॉर हुम डिड हिस्टोरियन बदायूनी कमेंटेड ऑन हिज डेथ, सुल्तान गॉट फ्रीडम फ्रॉम हिज मासिस एंड मासिस फ्रॉम द सुल्तान, मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। ठीक है, इसकी मृत्यु पर उन्होंने कमेंट किया था बदयामनी ने कि सुल्तान गॉट फ्रीडम फ्रॉम हिज मासिस एंड मासिस फ्रॉम द सुल्तान। नेक्स्ट है, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ द मंगोल लीडर चेंगिज खान, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चेंगिज खान का कंटेम्प्रेरी कौन था, इल्तुतमिश, ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर, इल्तुतमिश। हु अमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड दिल्ली एज कैपिटल ऑफ सल्तनत, किसने दिल्ली को अपनी जो है राजधानी स्थापित किया था, सो इल्तुतमिश एस्टेब्लिश्ड दिल्ली एज कैपिटल ऑफ सल्तनत, ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर, इल्तुतमिश। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ मिडेवल इंडिया, फर्स्ट वुमेन रूलर कौन कही जाती है, रजिया सुल्तान। द सिटी ऑफ जौनपुर वॉज फाउंडेड इन द मेमरी ऑफ, सिटी ऑफ जौनपुर फाउंड की गई थी किसकी याद में, ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। विच ऑफ फॉलोइंग वॉज नॉट बिल्ट बाय फिरोज शाह तुगलक, निम्नलिखित में किसका निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक ने नहीं करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने पैलेस, फोर्ट ऑफ फिरोजाबाद, कोटला फिरोज शाह, खोजे खास बनवाए थे, तो सिटी ऑफ जहां पना है जो, ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर, फिरोज शाह तुगलक ने नहीं बनवाया था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान हैड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्लेव्स इन हिज कोर्ट, किसके दरबार में सबसे ज्यादा गुलाम थे ये आपको बताना है, ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर, फिरोज शाह तुगलक के।
हाउ अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड इबन बतूता एज चीफ काजी ऑफ दिल्ली। इबन बतूता को चीफ काजी ऑफ दिल्ली किसने अपॉइंट किया था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन डी है ऑफ कोर्स राइट आंसर, क्योंकि इनके शासनकाल में ये आए थे। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली। तुगलक डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे, ये आपको बताना है। तुगलक डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, वो थे नसरुद्दीन महमूद। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी के फाउंडर किन्हें कहा जाता है, मैंने आपको बताया था सैयद डायनेस्टी के फाउंडर खिजर खान को कहा जाता है, जिन्होंने तैमूर की हेल्प की थी जब उन्होंने इंडिया में आक्रमण किया था, तो इसीलिए खुश होकर इनको जो है गवर्नर बना दिया गया था उस क्षेत्र का जो कि तैमूर के द्वारा जीते गए थे। बाद में इन्होंने जो है सैयद डायनेस्टी की स्थापना की थी। द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इज रेप्यूटेड टू हैव बिल्ट द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल्स इन इंडिया वॉज। बिगेस्ट नेटवर्क जो है कैनाल्स का बनाया था इंडिया के अंदर, श्रेय कौन से सुल्तान को जाता है, तो ये श्रेय जाता है फिरोज शाह तुगलक। तो ये 109 प्रश्न हो गए टोटल आपके, ठीक है। मैंने जैसे कि प्रॉमिस किया है 200 प्रश्न मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो जो बाकी के आपके प्रश्न बच गए वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आऊंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।